हाँ जी बड़े कुंभकर्ण उठ गए। श्रेय ने उठाया, पानी दिया और छोटा कुंभकर्ण माते की ओर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। किचन से आज का व्लॉग शुरू हुआ है। आज दिन है संडे का और सुबह सुबह जो है चाय बन रही है। सुबह सुबह नहीं है भाई, सुबह सुबह बिल्कुल नहीं होती संडे में, तो आपको पता ही है 8:45 का टाइम हो रहा है। और अभी अभी मैंने पूजा करी है, इन्होंने आज नहीं करी। संडे को इनकी पूजा की छुट्टी होती है क्योंकि लेट ना आएंगे, तो पूजा नहीं करी। मैं कब तक वेट करूँ, मैंने अपनी पूजा कर ली। और यहाँ पे श्रेय ने बना दी है चाय। सब लेट उठे हैं आज, सब लेट उठे हैं। मैं उठी थी 7:45, श्रेय उठा है 8:00। और ये जो दो कुंभकर्ण है इनको आपको दिखाती हूँ। बड़े कुंभकर्ण तो उठ गए अभी, मतलब 10 मिनट पहले उठ गए बड़े कुंभकर्ण। हाँ जी बड़े कुंभकर्ण उठ गए। हाँ जी उठ गए। श्रेय ने उठाया, पानी दिया और छोटा कुंभकर्ण माँ देख लो अभी। इसने बोल दिया था कल आज तो पूरा जी भर का सोना। और सच में नींद पूरी भी नहीं होती बच्चों की, बच्चों की क्या होती तो किसी की नहीं, पर हम तो एडजस्ट कर लें। आज तो मैंने भी जी भर के नींद पूरी करी। और जो है अंश का क्या है कि वो सोता है लेट ही, 11:30 से पहले तो वो कभी सोता नहीं। मैं भी नहीं सोती 11 से पहले, तो 11:30 तो उसके बाद फिर उसको अपना होमवर्क वगैरह भी रहता है ना शॉप से आने के बाद, तो वो थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई का काम करता है, तो उसको तो 11:30-12 बज जा। और फिर सुबह जल्दी 6:00 फिर उठ जा स्कूल के लिए, तो उसकी नींद पूरी नहीं होती, तो उसको इसलिए आज जो है छूट है सो। पर अब तो उठ ही गया और अब बस अब जो है बन गई है चाय। भूख सी भी लग गई है अब तो, क्योंकि अभी तक नहीं चाय वगैरह पी। अब चाय पियेंगे इनके साथ और उसके बाद फिर जो है आज का दिन शुरू होगा। क्या करना है इनको, थोड़ा सा काम करना था, कटिंग वटिंग करनी थी पेड़ की। कटिंग वटिंग होगी, कटिंग वटिंग सब चाय पी के। धूप देखी आज बाहर, इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है पूछो मत, बहुत जबरदस्त वाली धूप हो रही है आज तो। एकदम नीला आसमान है और चंदा मामा अभी तक दिख रहे हैं 9:00 तक ऊपर। नीला आसमान है एकदम कड़क वाला, बिल्कुल तेज धूप, बहुत तेज धूप। तो भाई मैंने तो अपने जो थोड़े थोड़े से काम थे वो कुछ निपटा भी लिए उठ के, अपना नहाना पूजा और थोड़ा बहुत साफ सफाई सी भी थोड़ी सी, एक दो सामान सिंगवाना विंगाना वो मैंने कर लिया सब कुछ। तो जी चलो अब जो है चाय पीते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं फिर आज का ब्लॉग। शुरू तो हो ही चुका, मतलब जो काम करेंगे क्योंकि कल है जन्माष्टमी। काम तो आज इतने हैं, फैन की आवाज़ आ रही होगी सॉरी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, भाई फैन बंद नहीं कर सकते आज सुबह सुबह भी। आज थोड़ा सा मुझे मीठा भी बनाना है, खोया रखा है मम्मी वाला। और जो है जन्माष्टमी के लिए लड्डू गोपाल की थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। अब देखते हैं आज शॉप का कैसे रूटीन रहेगा, कैसे घर का रहेगा, अभी कुछ नहीं पता। और जन्माष्टमी की मेहंदी लगी नहीं और रक्षाबंधन की उतरी। देखो अभी तक इस बार इतना पक्का रंग आया मेहंदी का, अब तक नहीं उतरी। चलो चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे जो है एक डिफरेंट सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पूरी की रेसिपी। यहाँ पे मूंग की दाल जो मैंने ली है इसको भिगा दिया था सुबह उठते ही, 2-2.5 घंटे भीग चुकी है, गर्म पानी में मैंने भिगा दिया था और इसका पानी निकाल लिया है। यहाँ पे इसमें मैंने डाला जीरा और हरी मिर्ची, थोड़ा सा डाल दिया हींग। हींग पाचन के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट तो अच्छा होता ही है। आप हींग खाते सॉरी हींग बोल रही हूँ, आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन अदरक भी डाल लीजिएगा। अदरक बच्चे नहीं खाते और गर्मी में अदरक लहसुन हम अवॉइड करते हैं। और ये जो मिक्सचर था सारा वो मैंने इस परात में निकाल लिया है जिसमें मैं आटा बनाती हूँ। इसमें डालेंगे कुछ मसाले, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है और ये अजवाइन डाल रही हूँ, जो कि ये भी पाचन में ही अच्छी रहती है और टेस्ट तो पूरी में इनका बहुत ही अच्छा आता है इसका, अजवाइन का। और यहाँ पे अब इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, इससे भी फ्लेवर बहुत ही टेस्टी पूरियों का हो जाता है। पूरी हो पराठा हो तो मैं कसूरी मेथी डाल लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है।
और अब बस इसको मिक्स कर लूँगी सारे मसालों के साथ। ये देखिए मसाले सारे इसमें मिक्स कर लिए हैं और इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी आधा कप सूजी का। अब वो आटे के अकॉर्डिंग है कि कितना मुझे मिक्सचर मैंने लिया है। एक कटोरी मूंग की दाल मैंने ली थी जिसको भिगा के लिया है, मतलब पहले एक कटोरी भिगाई थी, एक कटोरी दाल है। अगर आप जो है कम लोगों के लिए बनाएंगे तो आधी कटोरी दाल या फिर आधा कप काफ़ी होगा। तो उसमें मैंने सूजी भी मिक्स कर दी है, सूजी से खस्तापन आएगा पूरियों में। और थोड़ा सा उसको भिगा के मतलब मिक्स करके रख दिया है सूजी को फूलने के लिए। इतनी तैयारी करने के बाद उसके बाद मैं सब्जी छोक रही हूँ आलू टमाटर की। अब वैसे पूरियाँ जो है अचार चटनी के साथ, अचार तो नहीं खैर चटनी और दही के साथ भी बहुत टेस्टी लगेंगी, लेकिन मैं सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे सब्ज़ी ज़रूरी ही बनती है सुबह के टाइम भी, क्योंकि फिर लंच नहीं बनता। सिंपल आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, वही प्याज वाले तड़के की, हींग जीरा प्याज सब कुछ डाल के फिर टमाटर। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं जो है सिंपल सब्ज़ी बना के उसके बाद फिर बाकी की पूरियों की तैयारी करूँगी। आलू काट के धुल के रख लिए हैं, तो ये डाल दिए हैं मैंने इसमें आलू और अब डाल दूँगी जैसी भी कंसिस्टेंसी के हमें आलू बनाने हैं। ग्रेवी ज़्यादा रखनी है कम रखनी है उसी हिसाब से डाल दूँगी पानी। और इसमें भी मैंने नॉर्मल जो मसाले डाले हैं नॉर्मल मसालों के साथ साथ गरम मसाला, कसूरी मेथी, ये इसमें भी मैंने ऐड करा है क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी कसूरी मेथी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एकदम भंडारे वाला जो है फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें गेहूँ का आटा। गेहूं का आटा उतना ही डालना है जितना अच्छे से ये आटा बनके तैयार हो जाए, मतलब पूरियों का आटा बन जाए। इसमें पानी हमें ऐड नहीं करना है, बस जितना आटा आ जाएगा उतना इसमें डालना है। मैंने ऐसा आटा डाला कि मेजरमेंट बिल्कुल सही हुआ, एक बार के में ही मेरा आटा रेडी हो गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल बीच में भी डाल सकते हैं मोयन के लिए, मैंने नहीं डाला। और इसको तैयार करके रख दिया, ये लग गए थे अपने काम पे। धूप काफ़ी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो पेड़ों की छांव है, बहुत ज़्यादा जो है भर रहा है ये एरिया, बिल्कुल धूप ही नहीं आती है दीवार पे, तो कुछ ज़्यादा ही फैला फैला हो रहा था, गेट भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने थोड़ी जो है इनकी कटिंग करो तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल हवा चलती है धूप होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा ना बारिश के मौसम के बाद थोड़ा खुला खुला सा मौसम अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और अभी जो कनेर का पेड़ है फूल वूल लगे जो है रहते हैं सावन में, तो काम आ जाते थे इतने क्योंकि सभी तोड़ लेते हैं आसपास के, अभी ऐसा कुछ है भी नहीं। तो अब तो जो है नवरात्रि में जब तक तो बहुत ज़्यादा फिर से हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये अशोक का पेड़ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा था, काफ़ी भारी हो रहा था। तो ये पापा बेटा दोनों लगे हुए हैं और श्रेय आज नहीं लगा है, श्रेय के पैर में चोट है, उसके पैर में पट्टी हो रही है आजकल, तो वो नहीं कर रहा है। और ये देखिए श्रेय इसको बाहर ले आया और ये देखिए कैसे देख रहा है कैमरे में, ये ऐसे ही तिरछी आँख करके देखता है, ऐसे देख रहा है जैसे कि ये बिल्कुल बोलने वाला हो, बात कर रहा है। और देखो नाक हिलती है ना तो ये बात करता रहता है पर हम समझ नहीं पाते। और बस मैं अपने किचन में जो है फिर से काम पे लगी हुई हूँ, हालांकि श्रेय बाहर का रिकॉर्ड कर रहा था, मैं नहीं, पर हाँ मैं एक बार गई थी देखने उसको नन्नू को अपने। और सब्ज़ी बन गई है तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, थोड़ी सी लोई मैंने तोड़ के रख ली हैं और किचन काउंटर अच्छे से साफ़ किया। और अब जो है पूरियाँ इसमें बेल लेंगे। मूंग की दाल है तो थोड़ा सा इसमें जो है चिपकना होता है, मतलब थोड़ा चिपचिपा सा आटा होता ही है मूंग की दाल का, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल बीच बीच में मैं लगा लेती हूँ जो लोइयाँ बनाई हैं। और ये कलर थोड़ा डार्क आएगा लेकिन मूंग की दाल में हल्दी मिर्च पड़ी हुई है ना, तो इसलिए ये डार्क लग रही हैं, डार्क है नहीं, मतलब सिकी नहीं है ज़्यादा कि बिल्कुल जलने वाला कलर हो गया है, क्योंकि कलर इनका येलो है और फिर तो है जो है जल्दी ही इनका रेड हो रहा है क्योंकि रेड कलर की ही पूरियां बनती हैं। तो फटाफट से श्रेय पूरियाँ उतार रहा है और मैं जो है बेल रही हूँ, एक एक पूरियाँ बेल के साथ साथ डाल रही हूँ क्योंकि रख दूँगी तो फिर वो अच्छी सी फूलती नहीं है, तो बस मैं साथ साथ जो है बेलती जा रही हूँ और श्रेय उतारता जा रहा है क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था, तो लेट ही हो रहा है आज, पर थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी किया थोड़ा टाइम से। अब करके इनको बोलूँगी कि जो है बीच में खा लेंगे। और पूरी आपने देख ली इतनी अच्छी पूरी बनी है, एकदम खस्ता क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी वाली। और यहाँ पे बस मैंने थाली लगा दी है
ये देखिए गर्मा गर्म आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी, बूंदी वाला रायता और सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन रहा था इसके साथ। मुझे पता भी नहीं था कि इतना टेस्टी लगेगा। और हरे धनिए वाली हरी चटनी इसके साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये पूरियाँ। आप ट्राई कर सकते हैं जिस दिन कुछ डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट करने का मन हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से खस्ता खस्ता बहुत ही बढ़िया फूली फूली पूरी बनके तैयार हुई। सबका खाना पीना हो गया था, अब तो बहुत लेट हो रहा है। उसके बाद मैं भी बाहर ही आ गई थी खाने के बाद, क्योंकि बहुत काम था। और श्रेय चला गया है आज शॉप पर, वो शॉप खोल के आराम से बैठ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसके पैर में पानी लग जाएगा तो फिर वो जो है ख़राब हो जाएगा। पट्टी हो रही है डेली, तो कई दिनों से डेली पट्टी हो रही है, वो इसलिए कुछ काम नहीं कर सकता। फिर नहाना पड़ेगा गर्मी में, तो इस वजह से और पैर में पानी चला जाएगा। तो बस मैंने इनके साथ लग के सारा काम करवाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था बाहर, बहुत काम था, पर वो रिकॉर्ड नहीं किया। थोड़ा बाहर का अच्छा भी नहीं लगता है, तो बाहर साफ़ सफ़ाई अच्छे से करी, धुलाई करी अंश ने, और मैंने सीढ़ियाँ वगैरह धुली और फिर अंश ने करी सारे में धुलाई। हेलो जी, अब जाके मिलना हुआ है। आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा बीच में, बहुत सारा काम किया और टाइम हो गए हैं 2:15 हो गए हैं। अब जाके मैं नहाई हूँ, मतलब अब तो सभी नहा धो लिए हैं, बच्चे भी और बड़े भी। और जो है खाना पीना तो है नहीं भाई, आज सुबह इतना हैवी आज खा लिया था, भूख बिल्कुल भी नहीं है, बस पानी पानी पानी, प्यास इतनी लग रही है सबको। तो अब मैंने सर धुला है, नहाई हूँ और बाकी का काम कुछ हुआ नहीं, बस यही जो घर का क्लीनिंग का बढ़ा दिया था काम, थोड़ा सा वही हुआ है। अब कुछ सोच रही हूँ कि कुछ बना लूँ, क्योंकि कल भी फिर इतना सारा हो नहीं पाएगा एक दिन में। और फिर अब मेरे पास है 2 घंटे बाद फिर मुझे शॉप पे जाने की तैयारी, क्योंकि अंश का है ट्यूशन और मुझे थोड़ा मार्केट में काम भी है, लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, तो इसलिए जाऊंगी, नहीं तो आज मैं नहीं जाती। क्योंकि एक तो सुबह से काम और ऊपर से अभी भी काम करूंगी, अभी भी रेस्ट नहीं है, किचन का काम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो अब जाके थोड़ा शांति से बैठे हैं और बस थोड़ा सा ही बैठेंगे, फिर चलूंगी किचन में। तो कुछ इस तरीके का आज का हमारा बिजी रूटीन गया है, लेकिन काम काफ़ी हो गया। और ये भी चले गए थे ना धोकर, इनको भी काम था, ये भी चले गए थे, तो ये तो हम शाम तक ही आएंगे और मैं और अंश जाएंगे शॉप पे, फिर अंश जाएगा अपने ट्यूशन, उससे पहले देखती हूँ कितना मैं कुछ कर सकती हूँ। सुबह मैंने मूंग दाल की पूरियां बनाई थी, तो उसी के साथ मैंने एक कटोरी दाल और भिगा दी थी। और ये मैं यहाँ मूंग की दाल की पकौड़ियां बना रही हूँ, जो पकौड़ी चाट होती है उसके लिए। दही भल्ले तो क्या बोलूँ, क्योंकि उसमें उड़द मिक्स होता है, तो ये मूंग की दाल के ही मैं पकौड़ियां बना रही हूँ। और ये मैंने फैट के पीस के पहले ही रख दी थी, काम सारा ख़त्म करके, किचन साफ़ करके, कि इसको फिर मैं बाद में जो है ये उतार लूँगी। और बस अब मैं लग गई हूँ। और आप लोग सोचेंगे कि जन्माष्टमी से पहले दिन कौन चाट बनाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई नहीं बनाता होगा शायद, और मन होता है तो बना भी लेते हैं। पर मैं कुछ ऐसे नहीं बना रही हूँ कि मन हो रहा था, मेरे पास जो मूंग की दाल है वो बहुत ज़्यादा रखी हुई थी और वो मुझे थोड़ी ख़राब होती नज़र आ रही थी, तो उसको ख़त्म करने का सिस्टम मैं सोच रही हूँ। तो इसलिए अलग अलग आज रेसिपी मूंग की दाल की मैंने शेयर करी है। ये तो खैर शेयर नहीं करी, क्योंकि दही भल्ले की रेसिपी मैं हर बार ही शेयर करती हूँ, होली पे बनते हैं, पर बना रही थी तो हल्का सा मैंने जो है आपको दिखाया। और इसको बस दाल मैंने जो है सुबह ही भिगाई थी वो भी, लेकिन वो ज़्यादा भीग गई थी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से गोल्डन कलर के ये पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। इनको चाहे तो हम सॉस वगैरह के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कुरकुरे बने हैं। हल्का सा और ज़्यादा सेक लो, हालाँकि गोल्डन सिक्के अच्छे लगते हैं, कलर बहुत ही बढ़िया गोल्डन आया है। और बैटर मैंने पहले ही बिल्कुल तैयार करके रख दिया था कि किचन में फिर ज़्यादा फैलाव ना हो। यहाँ पे जो है 2 बैच में सारा मैंने डाल दिया था, और 2 या 3 में, और उसके बाद फिर मैंने ये पानी ले लिया ठंडा, यहाँ पे इसमें डाल दिया थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा सा हींग, उसको मिक्स करके। ये देखिए
ये थोड़े ठंडे हो गए थे तो ये मैंने डाल दिए हैं और बस सारे इसी में डाल के छोड़ दूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, शाम को सब खाए पिए जाएंगे, अभी तो नहीं खैर। और यहाँ पे मैं सर्विंग दिखाना बिल्कुल भूल गई, क्योंकि ब्लॉग का एंड पहले ही हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ये लास्ट बैच उतार के और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, मैं बनाऊँगी गुलाब जामुन। गर्मी इस टाइम पे भी लग रही है, पर क्या करूँ, क्योंकि टाइम होता मुझे नज़र आ रहा है शॉप पे जाने का, तो उससे पहले मुझे सारा काम फटाफट से निपटाना है, तो मैं साथ साथ ही लग गई हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई रखी हुई थी तो मैंने सोचा, सुबह ही खाया था सबने, अब थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई थी, बच्चों को फ्रूट्स वगैरह पसंद इतने होते नहीं हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़े से चिप्स फ्राई कर रही थी। और बस ये सारे जो मूँग की दाल की पकौड़ी थी वो मैंने पानी में डाल दी, इनको साइड कर देती हूँ। और फिर जो है कढ़ाई दो हो जाएंगी, एक कढ़ाई में मैंने चिप्स वगैरह और ये जो है मूंग की दाल के पकोड़े बनाए हैं, और दूसरी गुलाब जामुन बनाने के लिए होगी। पर कोई बात नहीं है, बस ये तो मैं सब छोड़ छाड़ के ऐसे ही फिर बाद में चली जाऊंगी, शाम को हो जाएगा। अब टेंशन नहीं होती है डिशवॉशर की वजह से कितने बर्तन हो जाएंगे या फिर नहीं हो जाएंगे, तो दाल निपटाने का आज जो है काम मैंने किया। और अभी भी दाल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पर बहुत ज़्यादा थी, ये बहुत ज़्यादा ले आए थे, इतनी मूँग की दाल बनती नहीं है। और हमारे यहाँ पे तो फिर भी खिचड़ी वगैरह बना लेते हैं, खिचड़ी भी मैंने एक दो दिन पहले बनाई थी, मैंने ये ख़त्म हो जाए। यहाँ पे चीनी ले ली है चाशनी के लिए, और जितनी चीनी होती है उतना ही उसमें पानी डाला जाता है, तो गुलाब जामुन मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। पानी डाल दिया है, चीनी डाल दी है, और बस जो है इसकी चाशनी चढ़ा देती हूँ, तब तक मिक्सचर रेडी करूँगी गुलाब जामुन का। ये रख दिया है मैंने बीच में, इसको चलाती रहूँगी तो इसमें जो है चीनी जमेगी नहीं, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे इलायची पाउडर नहीं था, उसके लिए मैंने साबुत इलायची खोल के इसमें डाल दी है। ये है खोया मावा, हम बोलते हैं मावा, और जो कि डेयरी से आया है, रेडीमेड है, मतलब घर का नहीं है, घर का रखा हुआ है, उसका कुछ बना ही नहीं अभी। पर जो घी में मावा भुन जाता है ना खोया, उसके फिर गुलाब जामुन नहीं बनते, वो फट जाते हैं। तो ये बाहर का है डेयरी का, इसके मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, जिसमें मैदा डाल दिया है, और मैदा कुछ इस तरीके से डाला जाता है, 1 किलो में जो 1 किलो मावा है 1 kg, तो उसमें लगभग मैंने 200 ग्राम या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस तरीके से मैदा डाला है, और कुछ भी नहीं डालूंगी। ये बाहर का खोया आता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी डालने की ज़रूरत होती है, पनीर वगैरह भी मैं नहीं डालूंगी। हाँ, पनीर ऐड करते हैं मावे में कुछ थोड़ा सा, पर आज मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। और इसमें यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा सा इसको मसलने में, जितने अच्छे से ये मसला जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, उतने ही अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। तो ये डो हमारा रेडी हो गया है, और मैं बैठ के कर रही हूँ आराम से, क्योंकि गर्मी इतनी थी तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, और बच्चे भी यहीं पे हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, क्योंकि हल्के ऑयल में ही गुलाब जामुन सेके जाते हैं। और यहाँ पे ना दो मैंने पहले ट्राई के लिए डाले, और फिर उनको मैं जो है अंदर चले गई तो वो ज़्यादा सीख गए थे, आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उनमें ब्लैक नज़र आएगा, तो इसलिए उस ऑयल में वो ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, तो इस वजह से मैंने, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो है ऑयल में कुछ आ रहा है, और मैं रिफाइंड ऑयल में ही बना रही हूँ। घी में बनाए जाते हैं ज़्यादा बेस्ट रहता है, पर ऑयल में बना रही हूँ, आजकल तो सभी ऑयल में ही बनाते हैं। और इनको मैं यहाँ पे हल्का हल्का हल्की हल्की आंच पे हिला डुला के सेक रही हूँ। और उसके बाद जो है बीच में क्या कर रही हूँ, बीच में मैं जो है ये अब बना भी रही हूँ, और बच्चे भी बना रहे हैं अंदर बैठ के, तो अंदर बैठ के वो बना रहे हैं, और मैं यहाँ पे लाके इनको सेक रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आराम से पहले सारे बैठ के बना लें, तो मैंने बच्चों को लगा लिया था कि जल्दी से हो जाएगा काम। तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है मिक्सचर तोड़ के उनको दे देती हूँ, फिर वो उनकी बॉल बना देते हैं। बच्चे बहुत धीरे धीरे करते हैं और मैं बहुत जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, तो बीच बीच में मैं भी कर रही हूँ। इस तरीके से सारे गुलाब जामुन हम बना लेंगे, और फिर जो है चाशनी में डाल के गुलाब जामुन भी हमारे रेडी हो जाएंगे। तो जो है चलिए, ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा।
कुछ मैंने इसमें कर दिए हैं और कुछ इसमें कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर एक में ना पूरे भीचे भीचे हो जाते हैं ऊपर तक, तो मैंने दो में चाशनी कर ली थी और कुछ कर दिए हैं इसमें। ये देखिए ठंडे होके ना फिर चाय एक में भी कर दो, पर गरम गरम ना फिर थोड़ा भीचे भीचे से हो जाते हैं, तो ये अच्छे से अब जो है चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर चाय दोनों को एक में कर दूंगी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक तो ठंडी कब होगी। और इधर देखिए इधर दही बड़े भी फूल गए हैं, दही बड़े क्या बोल लूँ इनको, पकौड़ी है ये, मूंग दाल की पकौड़ी, ये भी फूल गए हैं पानी में अच्छे से, तो पानी डाल लूँगी इनमें। और यहाँ पे बन गई है मेरी चाय, तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और इधर हमारे गुलाब जामुन, रात का टाइम हो गया है क्योंकि मैं आ गई थी शॉप पे और फिर चला गया था ट्यूशन, तो अब मैं आई थी थोड़ा देर के लिए मार्केट। पास से भी मैंने कुछ ले लिया था, पास की शॉप पे भी थी, वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब थोड़ा सा दूर वाली शॉप पे आई हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ देख रही हूँ अपनी शॉपिंग अपने लड्डू गोपाल के लिए। और भीड़ भाड़ तो देखो आज के दिन काफ़ी होती ही है, तो मैंने चलो जो है हल्का सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। शॉपिंग हो गई है जी हमारी, हमारे लड्डू गोपाल की। आप पास को ले आ थोड़ा कैमरा, जिससे कि सामान दिख जाए। तो ये देखिए क्या क्या शॉपिंग हुई है लड्डू की। ये तो है बेड, क्योंकि बेड लड्डू के पास नहीं था, फोल्डिंग टाइप था, तो इस बार नंबर था बेड का। और ये लेदर का बड़ा अच्छा सा मुझे लगा, तो कम्फर्टेबल। ये है बेड, एक पोशाक उनकी ड्रेस ये है कल की स्पेशल, एक ये मैंने ले ली है आगे जो है डेली में काम आ जाएगी जो हल्की फुल्की है। और इधर एक दो सामान माला वाला, उनके जो है बाल हेयर, और ये है उनकी प्यारी सी बांसुरी, और ये है उनके इसके मैचिंग के बैंगल, दोनों पे चल जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। एक ये भी मैंने ले लिया है, हालांकि इसका मुझे पता नहीं कि ये कहाँ आएगा। और दो हैं ये इस पर कंट्रास्ट चलेगी पगड़ी, और एक ये येलो नहीं थी, रेड नहीं थी, तो वही मैंने दोनों कलर लिए हैं जो नहीं थे। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल की कुछ शॉपिंग, और अपना चंदन टीका, बस ये इतनी सी शॉपिंग करके मैं अपने लड्डू की लाई हूँ। लेकिन सारी बहुत ही स्पेशल है, शॉपिंग थोड़ी सी करी है लेकिन बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल सारी चीज़ें। आप बताना कैसी लगी। और जो है अब मैं हो रही हूँ लेट, ये बहुत ही हैवी है ये वाली, अब मैं हो रही हूँ लेट, इसकी वो दे दो। अब चलती हूँ मैं फटाफट से घर, और इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर, क्योंकि सुबह से काफ़ी ब्लॉग हो गया है। कुछ भी पसंद आया हो आज के ब्लॉग में, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम मिलते हैं बहुत जल्द, यहीं पे बैठे हैं आज बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन रहेगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।